हिमाचल कांग्रेस कमेटी के विधानसभा क्षेत्रों की पर्यवेक्षकों की बैठक चल रही है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में ब्लॉक स्तर पर नई कार्यकारिणियों के गठन को लेकर मंथन किया जाएगा। कुलदीप राठौर ने बताया कि प्रदेश में ब्लॉक कार्यकारिणी को नए सिरे से गठन किया जाना है, उसको लेकर पर्यवेक्षक के साथ बैठक चल रही है। पर्यवेक्षक स्थानीय प्रतिनिधियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श 14 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देंगे। उसी आधार पर ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। कुलदीप राठौर ने बताया कि प्रदेश में होने वाले 2 उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा चुनावों की हार के बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उपचुनावों में टिकट आलाकमान के मंथन के बाद ही तय किए जाएंगे। संजोली इंजन घर के समीप लोअर सांगटी में एलपीजी के गैस रिसाव होने से धमाका हो गया। धमाके से पूरी लोअर सांगटी दहशत में आ गई है। सुबह के समय लोग भी धमाके की आवाज सुनते ही अपने घरों से बाहर निकले। ये धमाका लोअर सांगटी के रमेश कुमार शर्मा के घर पर सुबह 6:40 पर हुआ। धमाके में वे झुलस गए हैं और बेहोश हो गए। घायल को IGMC अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में ले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है। वे लगभग 20% तक झुलस गए हैं। वहीं धमाके की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिससे मौके पर अग्निशमन के CFO JC शर्मा और DFO DC शर्मा भी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि LPG के गैस रिसाव के धमाके से घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां टूट गए हैं। अग्निशमन विभाग के अनुसार धमाका होने से घटनास्थल में लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल में फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है, परंतु अभी 4 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है। राज्य के 9 जिलों के लिए 30 से 31 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में बादल जमकर बरसेंगे। वहीं अभी संभावना है कि आगे भी मौसम खराब रहेगा। वहीं NH 70 पर लहासा गिरने से भी काफी देर तक मार्ग बंद रहा है। मौसम विभाग के डायरेक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि राज्य में आगामी 4 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। सरकार को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं अब तक प्रदेश में 186 सड़कें बंद रहीं। प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, शिमला में बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोलन में लगातार डायरिया के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। अब तक एक माह में करीबन 574 रोगी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। ये रोगी धर्मपुर, कसौली, नोनी, ओज घाट, बसाल, चंबा घाट और आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं। ये बीमारी क्योंकि जल जनित है और बरसात के समय में ये ज्यादा होती है, तो लोगों को इसमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होती है। डायरिया पैदा करने के लिए प्रमुख रूप से रोटा वायरस जिम्मेदार होता है। ज्यादातर इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चों में पानी और पोषक तत्वों की कमी होने के साथ साथ अत्यधिक कमजोरी भी हो जाती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। इस बीमारी से केवल सावधानी से बचा जा सकता है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी NK गुप्ता ने बताया कि इस मौसम में डायरिया की चपेट में लोग ज्यादा आते हैं। अब तक करीबन 574 मामले सोलन के और 1065 रोगी जिला सोलन में हो चुके हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे
पानी को उबालकर और छानकर अवश्य पिएं और गले सड़े फलों को उपयोग में ना लाएं। उन्होंने कहा कि अगर हम सावधानी बरतते हैं तो इस रोग के संक्रमण से बचा जा सकता है। जिला शूटिंग राइफल एसोसिएशन द्वारा जिला सोलन के कुठाड़ में 8वीं जिला स्तरीय शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सिजल ने बतौर प्रतिभागी हिस्सा लिया, जिसमें उनको एक अलग ही किरदार देखने को मिला। जैसे उन्होंने लोकसभा चुनावों में स्टिक निशाना लगाकर सभी प्रतिद्वंदियों के चारों खाने चित कर दिए थे, वैसे ही इस प्रतियोगिता में उन्होंने स्टिक निशानेबाजी का प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक नहीं करीबन 8 बार फायर किए और हवा में ही अपने लक्ष्य भेद दिए और चंबा में होने वाले राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में भी अपनी जगह बना ली। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर बाइज पिस्टल, 50 मीटर पीप साइट, 50 मीटर ओपन साइट, ट्रैप शूटिंग जैसी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें जिला सोलन सहित दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ से मजे हुए शूटर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। तीन दिवसीय चैंपियनशिप की जानकारी देते हुए जिला शूटिंग राइफल एसोसिएशन के महासचिव विजय ठाकुर ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाली शूटिंग चैंपियनशिप में विभिन्न स्पर्धाओं में अब तक करीबन 138 प्रतिभागी भाग ले चुके हैं।